बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की? तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमको और कोई काम नहीं होता, बस लड़कियाँ छेड़ते रहते हैं यहाँ पे। इस सोसाइटी में ना तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया, कपड़े पहनना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें डर रहता है कि तुम्हारे जैसे लड़के आकर के हमको छेड़ेंगे। और तुम क्या समझते हो अपने आप को कि मैं तुम्हें ऐसी छोड़ दूंगी? तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं? तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और टीचर भिखारी कहीं का। अरे मैडम क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम? ये मेरे को छेड़ रहा था, जबरदस्ती मेरे को हाथ लगा रहा था। इसको तो ना इनके जैसे लोगों की वजह से, आप लोगों को पता है यहाँ सोसाइटी में हम लड़कियाँ बेचारी बाहर नहीं निकल पाती है, कितने बदतमीज होते हैं ये लोग, इनको जरा शर्म नहीं आती, इनके घर में माँ बहन तो होती नहीं है। अब नाटक कर रहा है ये, देखो कितना बदतमीज है। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मंच लेकिन मैं ऐसी हालत करूंगा ज्यादा बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचूंगा। मार कर रहे हो इस बेचारे को। अरे लड़की छेड़ रहा है, इसकी मदद कर रहा हो तो आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? अरे भाई खड़े हो, तुम्हारी टीम का बंदा है क्या जो आ गए बचाने? अरे यार मेरी टीम का कोई नहीं है ये, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम इस बेचारे को मार रहे हो और बचाने के लिए आ गया हूँ। और मैडम आपने छूटते इसे मारना शुरू कर दिया, आपको लगा कि आपको छेड़ रहा है? अरे कम से कम उसकी बात तो सुन लो, क्या पता आपकी मदद करने के लिए आया हो। क्या बात सुनूं मैं इसकी, इसकी हालत देखो, इसको देख करके ही पता चल रहा है कि कहीं से पिट करके आया होगा। और मेरे को अच्छे से पता है ये इसलिए पिटा होगा क्योंकि इसने वहाँ पे भी जाकर के लड़कियाँ छेड़ी होगी। पर टीचर वो भी इंसान है, उसकी कम से कम बात तो सुन लो, अगर उन्हें सच में आपको छेड़ा तो पुलिस को कॉल कर देना। बताओ भाई क्यों टच कराया था मैडम को तुमने? ये तो मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखा मैडम आपने इस बेचारे की बात नहीं सुनी और सीधा मारना शुरू कर दिया। अरे ये तो आपको बताने के लिए आया था कि आपका कार्ड नीचे गिर गया, ये तो आपकी मदद करने आया था, लेकिन बदले में आपने क्या किया, आपने इसे खुद ही मारा और इन लोगों से पिटवाया। और भाई सीधा आते ही लड़की ने अगर बोला कि मुझे छेड़ा था तो मारना शुरू कर दिया। अरे कम से कम तुम इंसान हो, सामने की बात तो सुननी चाहिए, तुमने उसकी एक बात ना सुनी और सीधा मारना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अपने। अगर ये आपको आपका कार्ड ना देता ना तो आप परेशान रहती, फिर दोबारा अप्लाई करती, और अगर आपके कार्ड के अंदर वाईफाई ऑन होगा ना तो कोई 5,000 रुपये का चूना आपको लगा देता और फिर अगर आपके ठिकाने आ जाती। अरे यार कोई इंसान अगर आपके पास में आया है तो हो सकता है आपकी मदद करने आया हो, पर ये बेचारा तो गूंगा है, आवाज़ भी कैसे लगाता है आपको, इसलिए शायद उसने आपका हार्ट टच किया और आपने छूटते से मारना शुरू कर दिया जैसे कि लड़कियों की आदत है। वैसे मैडम मैं मानता हूँ कि हमारे समाज के अंदर लड़कियों को छेड़ा जाता है, लेकिन हर कोई गलत नहीं होता है, कम से कम इंसान को उसकी बात रखने का मौका जरूर देना चाहिए। I'm so sorry, मैंने थोड़ा सा जजमेंटल हो गई थी। एक्चुअली सुनसान रोड पे इसने ऐसे पीछे से आकर के मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि मुझे छेड़ रहा होगा। आप तो जानते ही हैं ना कि लड़कियां कितना अनसेफ फील करती हैं सोसाइटी में। एंड I'm really sorry। ठीक है मैडम, अगर सच में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझसे माफी मत मांगिए, इस बेचारे से माफी मांगिए, क्योंकि आपने इस बेचारे के साथ सच में बहुत गलत किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली क्या है ना, हमारी सोसाइटी में यही जजमेंटल है कि कोई भी अगर लड़का लड़की को गलती से भी टच कर देता है तो वो उसको छेड़ रहा है, बट हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना चाहिए। और ऐसा मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुका है कि बहुत सारे लोग इसी सोसाइटी में जाते हुए उसको छेड़ चुके हैं, तो इसीलिए बस मैंने जज कर लिया। हो सके तो आप प्लीज मेरे को माफ कर देना। अच्छी बात है यार, तुमने इनको माफ कर दिया, अब जाइए मैडम, आइए अपना ध्यान रखना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि जजमेंटल नहीं होना है, कम से कम सामने वाली बात जरूर सुननी है, क्योंकि तो बहुत बार हमें गलत टाइमिंग हो जाती है, पर ऐसा नहीं है, एटलीस्ट हमें सामने वाली की बात सुनने के बाद में नतीजा निकालना चाहिए कि वो
क्या सही है या गलत है, एकदम से जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करना, मिलते हैं ग्रीन में, तब तक बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय।